एक ऐसी कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो मांसपेशियों में दर्द हो या तो फिर जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम या तो फिर ऑपरेशन के बाद से जुड़ा कोई भी दर्द और सूजन की प्रॉब्लम हो, ये सब कंडीशंस में वरदान रूप होती है। यस फ्रेंड्स, आज बात करने जाएंगे जेरोडोल एसपी टैबलेट के बारे में। कौन सी मेडिकल कंडीशन में उसको यूज किया जाता है, क्या है उसकी डोजेज, बॉडी में वो काम कैसे करता है, उस खास करके सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी वो सेफ्टी एडवाइजेज है जो ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जेरोडोल एसपी को कॉम्बिनेशन मेडिसिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें तीन कंटेंट है, एसिक्लोफेनेक होता है, सेरेशियोपेप्टिडेज होता है और खास करके उसमें पैरासिटामोल भी होता है। अब बात करते हैं कि कौन सी मेडिकल कंडीशन में हम उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि कोई भी जॉइंट रिलेटेड जोड़ों में दर्द का इश्यू या तो फिर टिश्यूज मांसपेशियों के रिलेटेड दर्द का इश्यू है उसमें हम यूज कर सकते हैं। थर्ड मेडिकल कंडीशन है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और इसमें भी ये काफी कारगर साबित होती है। और डेंटिस्ट्री में हम विजडम टूथ सर्जरीज के बाद या तो कोई भी हमारी डेंटल ऑपरेटिव प्रोसीजर है उसमें जो हम सूजन एक्सपेक्ट करते हैं प्रोसीजर के बाद, उन सारे ऑपरेशंस के बाद जेरोडोल एसपी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेरोडोल एसपी का डोजेज क्या होता है। इसको हम नॉर्मली दिन में दो बार सुबह और शाम को खाना खाने के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और पेन एक्सपेक्टेड इसको दिन में तीन बार भी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करती है बॉडी में। इसमें दो कंटेंट है, एसिक्लोफेनेक जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और पैरासिटामोल जो एंटी पायरेटिक यानी कि बुखार के लिए जो ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये दोनों जो ड्रग है विशेष करके जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं कि जिसकी वजह से दर्द और सूजन की समस्या रह सकती है। अब कमिंग टू द सेफ्टी एडवाइजेस, सुरक्षा संबंधी आपको ऐसा क्या जानना जरूरी है कि जिसमें खास करके अगर कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो अल्कोहल के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन थोड़ा रिस्की माना जाता है तो हम उसमें कॉन्ट्राइंडिक करते हैं। और खास करके प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको हम एडवाइज नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और खास करके जो पेशेंट लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है, जो लीवर और किडनी के मरीज है उसमें खास करके इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है, इसको नहीं दिया जाता इस्तेमाल करने के लिए। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हमने जेरोडोल एसपी के यूज के बारे में जाना। ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।